अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही अपनी सेवाएं चेन्नई और कोलकाता सेक्टर से शुरू करने जा रहा है और इंडिगो एयरलाइंस को अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रशासन सभी संभव सहायता दे रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की एक दल और उनके निर्देशक ने हाल ही में द्वीप समूह का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने सचिव नागरिक उड्डयन और मुख्य सचिव से भी मुलाकात इस सिलसिले में बात की थी। चैनल वन न्यूज से बात करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव एनके शर्मा ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की एक दल और उनके निदेशक ने हाल ही में द्वीप समूह का दौरा किया था जिस दौरान उन्होंने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया था कि उन्हें यहां सेवा शुरू करने के लिए प्रशासन की तरफ से सभी संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद दिलाई कि सब कुछ अब तक अच्छा चल रहा है और इंडिगो एयरलाइंस जल्द अपनी सेवाएं यहां आरंभ करेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि अगर इंडिगो एयरलाइंस की सेवा यहां आरंभ हो जाएगी तो उम्मीद है कि पोर्ट ब्लेयर के लिए विमान का किराया भी काफी कम हो जाएगा। की टीम आई थी, उन्होंने मुझे मिले और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले। हमने उनको पूरा एश्योरेंस दिया है कि आप जल्दी अपना स्टेप लीजिए और जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज वो करिए। अभी पीछे उनके डायरेक्टर भी आए थे मिस्टर विजय माता और उन्होंने भी मुलाकात कर रही थी। हमने उनको बताया कि मेरे पर मेरे जुबान से भी हमारी हेल्प है तो हम उनको जल्दी जल्दी वो अपनी फ्लाइट शुरू कर सकें। बाकी के जैसे तो जैसे जैसे फ्लाइट्स बढ़ रही हैं हमारी और दूसरी सारी एयरलाइंस भी आ रही हैं, इंडिगो के आने से जो रेट है टिकट्स के वो कंपटीशन की वजह से वो नीचे आएंगे, इस बात की फील है। और इंडिगो के जनरली रेट एज कम्पेयर टू दी अदर एयरलाइंस हम देखते हैं कि वो थोड़ा कम रहते हैं। और जहाँ तक कई बार हम महसूस करते हैं कि एक सीजन आता है कि ऐसा पीरियड आता है जहाँ टिकट के रेट काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, चार्टर फ्लाइट चलने से और इंडिगो के आने से काफ़ी मेरे ख्याल ये चीज़ जो टिकट के ऊपर रेट जाते हैं वो नीचे आएंगे।